हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, दही दुनिया का सबसे अधिक स्वास्थ्य सुरक्षा देने वाला भोजन माना जाता है, लेकिन इसको खाने से पहले हमें थोड़ी सी सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए, यानी कि दही की हमें पूरी पूरी जानकारी होनी चाहिए। आइए देखते हैं। ताज़ा दही सबसे उत्तम दही होता है, वह आपके शरीर को लाभ ही लाभ देगा। यदि एक दिन का भी पुराना दही या बासी दही होगा तो उसमें तेजाबी तत्व बढ़ जाते हैं, और उससे भी अधिक बासी होगा तो उसे खाने से खून में खराबी पैदा होती है। इसलिए दही को हमेशा ही ताज़ा ही सेवन करें, जो कि स्वादिष्ट होता है, प्राकृतिक मिठास लिए हुए खुशबूदार होता है। दही जमाने के लिए हमेशा मिट्टी का बर्तन, कांच का बर्तन या फिर चीनी मिट्टी का बर्तन का प्रयोग करें। यदि आप रोजाना मिट्टी के बर्तन में दही जमाते हैं तो इसे गर्म पानी से धोकर थोड़ी देर धूप में रखें या फिर आग पर सुखा लें, नहीं तो इसमें से बदबू आने लगती है। पीतल, एल्युमिनियम, तांबा, कांसे के बर्तन में दही को कभी ना जमाएं। बारिश के दिनों में दही मट्ठा छाछ बिल्कुल ना खाएं। सर्दी के मौसम में दही मट्ठा ज्यों का त्यों प्रयोग में लाएं, उसमें पानी ना मिलाएं। और यदि गर्मी का मौसम हो तो दही खाने से अधिक छाछ और लस्सी का सेवन करें। भोजन करते समय बीच बीच में दही खाएं। भोजन के बाद दही ना खाएं बल्कि छाछ या लस्सी लें। दही को जब भी खाएं उसकी मलाई के साथ ही सेवन करें। आधा अधूरा जमा हुआ दही खाने से कब्ज ठीक होती है। गाय के दूध से बना हुआ दही बच्चों, बूढ़ों और जवानों सभी के लिए अमृत के समान होता है। भैंस के दूध का दही कम मात्रा में ही खाना चाहिए, क्योंकि इसके सेवन से शरीर में सूजन पैदा होती है, ये देर से भी पचता है। लगातार सेवन से शरीर फूलने लगता है। बकरी का दूध का दही सबसे अच्छा माना जाता है। यह कई रोगों को दूर करता है। खून की कमी, पीलिया, लीवर, पेट के विकारों में अच्छा होता है। दही के विभिन्न रूपों को तो आप जानते ही होंगे। जैसे यदि दही की मलाई निकालकर घोल तैयार किया जाए तो उसे मथा या मथित मट्ठा कहा जाता है। इसके प्रभाव से गर्मी और कफ के दोष समाप्त होते हैं, और दही को जैसे का तैसा मथने के बाद जो गाढ़ा तरल बनता है उसे घोल मट्ठा कहते हैं। थोड़ा सा पानी मिलाकर इसे पतला किया जाता है। यह गर्मी और वायु के विकारों को शांत करने में अत्यंत उपयोगी होता है। जब 3 हिस्से दही में और 1 हिस्से जल में इसे मथा जाता है और मक्खन निकाल लिया जाता है तब इसे तक्र कहते हैं, और यह मट्ठा इतना पौष्टिक और सुपाच्य होता है कि इसे कमजोर भी आसानी से हजम कर लेते हैं। इसके सेवन से वात, पित्त और कफ तीनों दोष दूर होते हैं। यह खट्टा, मीठा और कसैला स्वाद का होता है, परंतु स्वास्थ्य में कल्याणकारी होता है। यदि आधा दही और आधा पानी मिलाकर मथा जाए और मक्खन निकाल दिया जाए तब इसे उदशीवत मट्ठा कहते हैं। गर्मी में यह परम हितकारी है। जब पानी 3 हिस्से हो और 1 हिस्सा दही भी मथ कर उसका भी मलाई अलग कर दिया जाए तब जो बाकी बचता है उसे कहते हैं छाछ। भयंकर गर्मी में इसका सेवन अत्यंत गुणकारी होता है। यह हमें ठंडक प्रदान करता है। तो ये थी दही की कुछ सावधानियाँ और दही के विभिन्न रूप। आपको अवश्य ही अच्छे लगे होंगे, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।